अस्सलाम वालेकुम कनेडियंस, क्या हाल है? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। और पहले तो सब दोस्तों को मुबारकबाद जिनकी अप्रूवल्स आ चुकी हैं। अब वो एग्ज़ाम की डेट के मराहल में है, कुछ एग्ज़ाम की डेट्स ले चुके हैं, कोई अप्लाई कर रहे हैं। और क्योंकि एग्ज़ाम की डेट लेने के लिए आपको 20 वर्किंग डेज चाहिए होते हैं, 20 वर्किंग डेज में आता है। तो मैंने कहा थोड़ा सा आज कुछ और एक चीज़ आपसे डिस्कस करते हैं। जैसे थंबनेल पे आपने देख लिया होगा, रेड सील सर्टिफिकेशन, वर्क परमिट या फिर जॉब। काफ़ी दिनों से इस पर रिसर्च जारी थी, रिसर्च करता रहा तो कुछ चीज़ें हाथ लगी जिनको देखकर पता चला कि हम कुछ अच्छा कर सकते हैं, कुछ बुरा कर सकते हैं, तो भैया हमें जॉब मिल सकती है। इस तरह की कुछ चीज़ें थी जो हाथ लग गई। तो मैंने सोचा इसके ऊपर कुछ आपको थोड़ा सा हाइलाइट्स दे दें, इसके ऊपर मुकम्मल वीडियोस जो हैं बनाऊंगा, पूरी सीरीज़ करेंगे, या फिर एक ही वीडियो में सब कुछ बताऊंगा कि वाकई क्या रेड सील सर्टिफिकेशन के ऊपर या इसकी मदद से हमें जॉब मिल सकती है, वर्क परमिट मिल सकता है। तो विद प्रूफ आपको चीज़ें दिखाऊँगा कि यस या नो, हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है इसमें हमारे लिए कोई खुशखबरी भी हो सकता है इसमें हमारी खुशखबरी ना भी हो, लेकिन उम्मीद अच्छे की रखनी चाहिए। तो इसके ऊपर मतलब काफ़ी रिसर्च करने के बाद मुझे कुछ चीज़ें मिली हैं, तो वो आपसे शेयर करूँगा इंशाल्लाह, और आपको दिखाऊँगा कि हम क्या कर सकते हैं वहाँ पहुँचने के बाद, और होगा क्या सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद। ये जुमला मेरा देखिए, याद रखिएगा कि सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम हमने क्लियर करना है, क्योंकि आप जब एग्ज़ाम की डेट लेंगे तो उसके साथ आपको स्टडी मटेरियल आएगा, उसके अंदर लिंक आएगा कि आप यहाँ से जाके अपना स्टडी मटेरियल लें और यहाँ पे आप स्टडी शुरू कर दें। तो आपने इसकी स्टडी भी करनी है और उसको क्लियर भी करना है, तो तब कुछ फ़ायदा होना है और अच्छा खासा फ़ायदा होना है। और किस तरीके से होना है इसके लिए मैं अभी दोबारा नेक्स्ट एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैंने काफ़ी सारी चीज़ें जमा कर ली हैं। और कुछ लोगों की कमेंट्स ये भी थे कि डेट के लिए कैसे सेलेक्ट किया जाए चीज़ें, तो वो भी मैं अभी दिखाऊंगा स्केड्यूल कैसे सेलेक्ट किया जाता है। तो मैंने कहा एक छोटी सी वीडियो आपके साथ शेयर कर दें कि क्या रेड सील सर्टिफिकेशन के बाद जॉब पॉसिबल है, वर्क परमिट पॉसिबल है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द अच्छी खबर आपके साथ शेयर करूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हाँ, आप तो हैं तो बड़े कंजूस, वैसे ना वीडियो शेयर करते हैं, ना लाइक करते हो, ना कमेंट करते हैं। बोले मुर्तज़ा, आप वीडियो लाइक करें, तेज़ बोलें, ऐसे मुझे याद आए बोले, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, है ना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।